सो हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम आए हैं जवेरी बाजार। जवेरी बाजार फेमस है यहाँ की ज्वेलरी शॉप्स के लिए, तो यहाँ पे खाऊ गली भी काफी अच्छी है, तो यहाँ का फूड भी हम लोग ट्राई करेंगे क्योंकि जवेरी बाजार का फूड भी काफी पॉपुलर है। तो जवेरी बाजार की छोटी छोटी गलियों से गुजर कर हम पहुंचे हैं लाला फास्ट फूड, विच इज पॉपुलरली नोन एज मोहन भाई पुडला वाला। इट इज वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक प्लेस इन मुंबई, जो काफी पुराना है। ये शुरू हुआ था 1968 में इन जवेरी बाजार, जो शुरू किया है मोहन भाई ने। पहले ये एक छोटा सा स्टॉल था, उसके बाद में इन्होंने इसे इतना बड़ा शॉप बनाया यहाँ पे। तो ये एक बहुत ही बढ़िया गुजराती स्नैक्स सर्व करने वाला शॉप है, जहाँ पर हमें बेसन के बहुत सारे आइटम्स मिलते हैं टॉप विथ वेजिटेबल्स। तो यहाँ पे वैरायटी ऑफ पुडला मिलते हैं, इसमें हमें चीज़, टोस्ट ब्रेड और टोमेटोज की मात्रा ज़रा ज़्यादा दिखाई देती है। तो इसमें पुदीना, इमली, गार्लिक चटनी, ऐसे बहुत सारे टेस्टी आइटम्स यहाँ पर डाले जाते हैं। तो ट्राई करते हैं यहाँ का चीज पुडला। तो ये है हमारा ब्रेड चीज पुडला। तो इसमें देखो, ये हमारी ये खजूर एंड इमली चटनी, ये पुदीना चटनी और ये तीखी वाली चटनी लहसुन चटनी, और उसके साथ हमें मिला यहाँ पे कांदा। इन्होंने प्लेट काफी बड़ा दिया है, तो पूरी चटनियां मेरे फैल गई यहाँ। तो इसमें हमें मिलता है ऊपर से बेसन, और ये हमारा ब्रेड, और ये अंदर देखो कितना चीज डाला है इसमें। तो ट्राई करते हैं यहाँ का ब्रेड चीज पुडला। चीज और बेसन कुछ ज्यादा है गर्मा गर्म, तो तीखी चटनी के साथ इसे ट्राई करेंगे। तीखी चटनी कुछ ज्यादा ही दिखी है यहाँ पे, काफी अच्छा टेस्ट है इसका। मीठी और पुदीना चटनी के साथ ट्राई करते हैं। वाह, तो भैया जी ने हमें सजेस्ट किया कि यहाँ की दही बटाटा पूरी ट्राई करें, तो ये हमारे लिए बना रहे हैं दही बटाटा पूरी। तो इन्होंने पूरी को पूरी तरह से दही में डुबा डुबा के निकाला यहाँ पे। और इसके ऊपर डाला है पोटैटो, मतलब बटाटा, मसालेदार पोटैटो है ये। इसके ऊपर काफी सारे मसालों का यूज किया इन्होंने, लाल लाल दिख रहा है। उसके ऊपर इन्होंने मीठी चटनी डाली, उसके ऊपर पुदीना चटनी डाली, मसाले डाले, ऊपर से शेव डाल रहे, और ऊपर से फिर से मसाला डाल के उसके ऊपर दही डाल रहे। अरे बाप रे, कुछ ज़्यादा ही दही डाल दिया इन्होंने। तो ये हमारी दही बटाटा पूरी, देखो इसमें पहले पूरी डाली, उसके ऊपर आलू डाला, आलू के ऊपर दही, स्प्राउट्स, पुदीना, शेव, इतना सारा मटेरियल इसमें डाला है। तो देखते इसका टेस्ट कैसा है। जब बना रहे थे ना, मुझे लगा कि शेव पूरी बना रहे हैं, तो ये बटाटा पूरी है। वाह, तो दही एकदम मस्त दिख रहा है इसमें। सारा दही का टेस्ट लगा पहले, बाद में अंदर से मसाले के साथ बटाटा बाहर आया। वाह, पूरी बटाटा, शेव, स्प्राउट्स, पूरा भैया ने हेल्दी बनाया पूरा का पूरा। मस्त है। के पास कचौरी भी काफी अच्छी मिलती है। हाँ, ये तो काफी अच्छा आइटम है। कचौरी भी काफी अच्छी है।
तो आप जाएंगे दयाराम जी का 56 मसालों वाला भेल खाने। जवेरी बाजार में दयाराम जी का 56 मसालों वाला भेल कह के यहाँ का भेल काफी पॉपुलर है। आपने यहाँ के काफी सारे वीडियोस देखे रहेंगे, तो हम आए यहाँ का भेल ट्राई करने। यहाँ मैं देख रहा हूँ कि पार्सल लेके काफी सारे लोग जा रहे हैं, इतना फेमस है ये। तो यहाँ के ओनर खुद अपने हाथों से हमें भेल बना के देंगे। चना जोर और इसमें पोवा डाला जाता है, शेव पोवा रहता है, मूंग की दाल रहती है, काबुली चना और ये सिंह का भजिया रहता है और ये चना की दाल होता है, इनमें डाला जाता है और ये स्वाद के हिसाब से नमक डालते हैं और ये मसाला भी स्वाद के हिसाब से डालते हैं और जो मसाला हमारा स्पेशल होता है उसमें नींबू मिलाते हैं और इसमें ओनियन टोमेटो और इसमें धनिया कैरी भी मिलाया जाता है स्वाद के हिसाब से और ये 56 मसाला तैयार हो गया हमारा खाने के लिए। अच्छा हो गया, थैंक यू सर जी। तो ये हमारा दयाराम का 56 मसाला नमकीन, देखो कितने सारे आइटम इसमें डाले हैं। दयाराम जी ने हमें एक्सप्लेन किया इसमें क्या क्या था। वाह, ट्राई करते हैं इनकी मसालेदार भेल। काफी सारे टेस्ट एक साथ आ रहे हैं इसमें, काफी सारे नमकीन मीठा तीखा, बहुत सारे टेस्ट आ रहे हैं। ये हमें स्वाद के अनुसार भी चेंज करके भी देते हैं, ज्यादा तीखा चाहिए, नमकीन चाहिए, कैसा चाहिए, स्वाद के अनुसार। ये वाला मुझे उन्होंने अपनी तरफ से बना के दिया, इतना बढ़िया टेस्ट लग रहा है इसका। तो इसके बाद में मैं आया हूँ दुर्गा जूस सेंटर। यहाँ पे हम लोग ट्राई करने वाले हैं ड्राई फ्रूट कोकोनट। तो इन्होंने कोकोनट को तोड़ के इसमें से पानी और सारी मलाई निकाल दिए, उसमें दूध और अमूल क्रीम डाल रहे हैं, उसके ऊपर से इन्होंने ड्राई फ्रूट डाले, टूटी फ्रूटी डाली है। तो ये रहा हमारा ड्राई फ्रूट कोकोनट दुर्गा जूस सेंटर प्योर जैन। ये देखो इसके अंदर उन्होंने क्या क्या डाला। तो कोकोनट के अंदर से पहले पूरा मलाई सारा पानी निकाल के इसमें अमूल क्रीम मिक्स है और ड्राई फ्रूट्स भी डाले बहुत सारे इसमें। फुल्ली क्रीमी क्रीमी तो कोकोनट का टेस्ट आ रहा है इसके अंदर। ड्राई फ्रूट कोकोनट आइटम 180 रुपीज में है, इसका टेस्ट ओके है, तो हम इसे देंगे 7.5 out of 10। यहीं पर साइड में है मोक्ष दुग्ध, काफी अच्छा मसाला दूध यहाँ पे मिलता है विथ ड्राई फ्रूट्स, तो हम लोग ट्राई करेंगे यहाँ का मसाला दूध। अगर यहाँ पे आ रहे हो तो मोक्ष दुग्ध का ये मसाला दूध पीना मत भूलना। ये देखो इसके अंदर है मसाला दूध और ऊपर से ये ड्राई फ्रूट्स डाले हैं, यहाँ का एक नंबर दूध है, सबसे बेस्ट। 4 बार पिया है मैंने यहाँ पे, काफ़ी अच्छे ड्राई फ्रूट्स लग रहे हैं इसमें, यहाँ का दूध और ये दूध बहुत बढ़िया लग रहा है। तो जगन्नाथ चतुर्भुज एक काफी पुराना जवेरी बाजार का शॉप है। यहाँ पे मिलते हैं गुजराती राजस्थानी स्नैक्स जो प्योरली घी में बनाए जाते हैं, काफी अच्छे आइटम है, लेकिन हम लोग यहाँ पे ट्राई करेंगे फाफड़ा और जिलेबी। तो ये मिर्ची ठेसा, ये पपैया, ये है जिलेबी और ये है फाफड़ा। तो गुजराती होने वाला एक फील आ रहा है यहाँ पे, ट्राई करते हैं यहाँ का फाफड़ा। पपैया तो मीठेपन के लिए जिलेबी। तो जलेबी और पापड़े के साथ साथ यहाँ की बूंदी और कचौरी काफी अच्छी मिलती है यहाँ पे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। और ऐसे ही फूड रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर अदर फूड रिलेटेड वीडियोस देखना ना भूले। तो
तो जगन्नाथ चतुर्भुज एक पॉपुलर शॉप है यहाँ पे। तो जगन्नाथ चतुर्भुज इतना पॉपुलर और पुराना जवेरी बाजार का शॉप है कि हम यहाँ वहां से जाऊंगा। तो जगन्नाथ चतुर्भुज एक पॉपुलर शॉप है यहाँ पे।